Josh. Hi, sir. How is the Josh? Hi, sir. Jai Hind. Jai Hind. आप भी खा लो. मैंने रखी. मैं आम वाला दो स्टूडेंट जो रखते थे बाद में घर जाके खाते थे. अच्छा, क्यों ऐसा? शेयर करना आपको अच्छा नहीं लगता? नहीं, वैसे विक्की ने भी शेयर नहीं किया, अकेले खा गया. मुझे लगा ऑफर करेगा. मुझे घर जाके शेयर करते हैं. आई वाज वन ऑफ दोस स्टूडेंट्स जो चॉकलेट मिलती थी खा जाते थे, फिर कहते थे यार घर के लिए भी एक दे दो. पूरा सब घर में, सब कुछ घर, सब कुछ घर, सब कुछ घर. जो मफिन वफिन मिलते एवरी, नहीं नहीं ऐसा नहीं, वो तो फिर क्रम्बल. बचपन में मफिन मिलते? अरे अभी क्रिसमस के टाइम मिलता है ना, सब अभी मिलता है. नो, बट हमारे स्कूल में फूड ब्रेक में वी टू गेट विंटर्स में मफिन और अदरवाइज बनानास और सम बिस्किट्स एंड ऑल. यार मुझे तो 5 साल पहले पता लगा मफिन क्या होता है. मफिन क्रिसमस में क्या मिलता था? क्रिसमस हाल ही में गया. हम तो सबको मिठाई बोलते थे. हम भेदभाव नहीं करते थे, डिस्क्रिमिनेशन की. कैथलिक को तो मफिन बोलेंगे, हमारे लिए सब मिठाई है. स्लाइस केक मिलता था 5 रुपए का. ये था स्लाइस केक मोंजिनीज का. वो ट्रीट होती थी. वो होता था कि मतलब आज लग्जरी है स्लाइस केक. अच्छा, रेडियो सिटी 91.1 पर क्रिसमस की बातें कर ली. लेकिन 2018 फर्स्ट ऑफ ऑल विक्की कौशल, व्हाट अ सुपर ईयर. थैंक यू मेरे भाई. और मैं अभी भी ये फ्री कप से कॉफी पी रहा हूँ. लव पर स्क्वायर फीट की इतना पसंद आया था मेरे को ये नेटफ्लिक्स पे जब आया था. एंड संजू राजी मनमर्जियां एवरीवन राइट फ्रॉम करण जोहर, बड़ा से बड़ा डायरेक्टर जो गेटी गैलेक्सी में पब्लिक है, सब लोग यही बोल रहे हैं विक्की कौशल भाई तू सेंसेशनल है. कैसा रहा आपका पूरा साल और आपको कैसा लग रहा है विद लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस? 2018 बहुत अच्छा साल गया, बहुत प्यारा साल गया. मेरे जिंदगी का सबसे मतलब वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स. बहुत सारा प्यार मिला, अफेक्शन मिला लोगों से, रिकग्निशन मिली. और जैसे कि आपने कहा कि जिन डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला, जिन फिल्मों का हिस्सा बनने का मौका मिला, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी. कभी सपने में नहीं सोचा था कि 3 साल पहले जब पहली फिल्म की थी कि तीन साल में ऐसे डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिलेगा. तो बहुत कुछ सीखने को भी मिला, तो बहुत ग्रोथ हुई है एज एन आर्टिस्ट. पर एट द सेम टाइम एक बहुत ही हम्बलिंग फीलिंग है. इतना सारा प्यार मिलता है ना तो बहुत ऐसा लगता है कि चलो यार, जैसे आपने कहा कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी भी आ जाती है आप पे कि अब यार कुछ ठोस अच्छा काम. लेकिन कोई चांस नहीं दे रहा था आपको शुरू शुरू में. यू हैड लाइक लॉट ऑफ स्ट्रगल्स. नाउ इंडस्ट्री के एकदम आंखों के सितारे बन गए हो तुम यार. देखो वो तो यार सबका अच्छा टाइम बुरा टाइम सब साथ ही चलता रहता है. अब अच्छा टाइम चल रहा है, करेंगे काम. बुरा टाइम भी आएगा तो भी सीखते हुए करेंगे काम. तो ठीक है, अच्छा लगता है. किसका मैसेज आया था? वोडाफोन का आया. सच्ची? हाँ, अगर स्पॉन्सर नहीं तो कार्ड देना. नहीं स्पॉन्सर नहीं है, लेकिन मुझे लगा कोई प्राइवेट मैसेज आया रहेगा तो. नहीं एक्चुअली ट्विटर नोटिफिकेशन है, मैं खोला नहीं अभी तक. अच्छा, हाँ जी. डू यू नो विकी कौशल इनवाइटेड यामी गौतम ऑन हिज फर्स्ट मूवी स्क्रीनिंग मसान वाया अ टेक्स्ट मैसेज. वाव, ये ट्वीट आया. ये ट्वीट सच्ची में आया था इनवाइट? हाँ हाँ ऑफ कोर्स. पर ये टेक्स्ट ऑफ कोर्स थ्रू टेक्स्ट ही तो नहीं. आई थिंक ये पीआर आपकी काम कर रही है थोड़ा बिल्ड करने के लिए. नो नो, इट्स ट्रू एक्चुअली. अच्छा नहीं, लेकिन अचानक ये ट्वीट क्यों हो रहा है? नहीं ये मैं, हमने एक वीडियो इंटरव्यू किया था. ओके, उसकी हेडलाइन है. ओ अच्छा, लेकिन हेडलाइन तो इनकी इंस्टाग्राम की, अगर आपको पता नहीं तो आई एम गोना टेल यू, यू आर अ चाय लवर. आई एम अ चाय. ओए होए, लवर? शी इज अ चाय लस्टर. वो लवर नहीं है, वो एक अभी एक कदम आगे बढ़ चुका है. अच्छा हां, लेकिन इतनी सारी चाय है, कौन सी चाय? ग्रीन टी प्रेफर करती है नॉर्मल? देखो नॉर्मल अदरक चाय, सॉफ्ट चाय, जॉइंट चाय, ग्रीन टी, कहवा टी, ब्लैक टी, लेमन टी, जितनी भी. अच्छा, द रीजन आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन बिकॉज आई एम गेटिंग यूज्ड टू इट यामी, बिकॉज आप इतनी खूबसूरत है ना, तो पहले मैं थोड़ा ऐसा adjust. ये खुद कितनी प्रीटी है ना. दिस इज माय हेडलाइन. You are very pretty, लेकिन आपका क्या रिएक्शन था when you saw Yami for the first time जब पिक्चर की शूटिंग चल रही थी? जिंदगी में पहली बार देखा यार. जिंदगी में पहली बार देखा. मैंने जिम में देखा था इनको. अच्छा, हम एक ही कॉम्प्लेक्स में रहते थे. हाँ. और उसी कॉम्प्लेक्स में एक जिम भी है. हाँ. तो मैं वर्कआउट कर रहा था और मैंने वहाँ उनको देखा. तो मैंने इनकी विकी डोनर वगैरह सब देखी हुई थी एंड मैं बहुत बड़ा एडमायर था इनके काम का. हाँ. पर ऐसे नहीं गया था, ऐसे कोई मेरा ये नहीं था कि इंटेंशन नहीं थी कि मैं जाऊँ और पहले तमाचा मिल जाए. तो पर मैंने तभी जब मैं इनको पहली बार मिला. हाँ. तभी मैंने बदलापुर देखी थी, तब बदलापुर आई जी, थी जी. और तब कुछ दिन लगे थे. आई थॉट कि मैं जाके एक जिम में, ऐसा भी लगता है ना मुझे कि डिस्टर्ब ना हो कोई जाके. आप वो बेचारे आते हैं. और तब मेरी पहली फिल्म भी नहीं आई थी शायद, मसान से भी पहले की बात. तो मुझे लगता है कि यार आनी थी एक दो महीने में. तो उनको डिस्टर्बेंस ना लगे तो मुझे कुछ 4-5 दिन लग गए थे ये बनाने में अपने अंदर कि यार जाके
यार हाँ कॉम्प्लीमेंट ही तो दे रहा हूँ, गलत तो कुछ नहीं कर रहा ना। तो जाके मैंने बोल दिया था कि मैंने आपकी फिल्म देखी, बहुत अच्छा लगा था और आपका काम ऐसा शर्मा के सेमा से। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ऐसे एक्सप्रेशन में जैसे विक्की वर्कआउट करते थे। बिल्कुल ही इज टू कम विद हिज बैकपैक अकेले, नो कोच नो वन, एंड कोई किसी से फालतू बात नहीं कुछ नहीं, बिल्कुल अपने सिंसियरली लगे हैं और उसी मोड में। हेलो यामी, हाय आई एम विक्की। हाय आई एम विक्की। उरी में आप शायद दोनों साथ में काम करने वाले? नहीं सोचा नहीं था, चाहा हमेशा से था कि कभी काम करने का मौका मिले, बट सोचा तो नहीं था। अच्छा आपको क्या कहना, मतलब ये इनका 2018 तो पूरा सुपर सक्सेसफुल रहा, तो जब काम करने आए थे आपके साथ आपको पता था कि ये पूरा स्टारडम लेके आएगा बंदा, सही है ये? जब मैंने विक्की को पहली बार मसान में देखा था, दैट्स ट्रू, ही इनवाइटेड मी एंड आई वेंट फॉर द स्क्रीनिंग। बहुत लोगों ने ऑफ कोर्स मसान देखी थी एंड आई वाज जस्ट ब्लोन अवे। आई कुडंट बिलीव कि ही इज द सेम विक्की, इज द सेम बॉय हु कम्स वर्किंग वर्क्स आउट सो डिलिजेंटली, सो क्वाइटली, बिल्कुल शांत तरीके से, एंड बट ऑन स्क्रीन ही इज अ लाइक रुको कहाँ है On screen, he's a full dhamaka. He's like, I just couldn't believe. Or of course, as he said, even I really want to work with him. I don't think on set there is or there should be any baggage of जिसको आप स्टारडम बोल रहे हो, और माय फिल्म हैज जस्ट डन वेरी वेल, इट कांट बी, इट्स अ वर्क प्लेस। आई वांट टू वर्क विद विक्की, आई ऑलवेज वांट टू वर्क विद विक्की, आई वुड लव टू वर्क विद विक्की अगेन फॉर द एक्टर ही इज, फॉर द फिल्म्स दैट ही वर्क्स ऑन, एंड विद हाउ हार्ड वर्किंग इट इज, एंड व्हाट अ को एक्टर ही इज फॉर दैट। अदर थिंग्स एज ही सेड, आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम, ही डिजर्व्स ऑल द एक्विलेट्स, बट या एंड द रीजन आई एम हैप्पी फॉर हिम बिकॉज इट्स नॉट हियर, इट्स जस्ट It's not gone in his head, and the kind of guy he is, it won't also, I know. He, so I just feel these things are very, you know, people get very enamored that, you know, when we talk to journalists and this is, you know, the year and everything, which is great, which is fantastic. But the real reason why you've reached there where you've reached, वो आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। Very true, very true. भाई लेकिन इसमें पूरा मुझे ये जो जब मैंने ट्रेलर देखा था इट वॉज सो कूल, मतलब ऐसा लग रहा था कि इंडियन आर्मी को सच्ची में ट्रिब्यूट मिल रही है, प्रॉपर दिखाया। हाँ जी। गन बराबर पकड़ी हुई है, इंटेंसिटी है, कितनी मेहनत लगी थी, कितनी ट्रेनिंग लगी थी आपको? यार करण बहुत ट्रेनिंग गई थी, और जैसा कि आपने कहा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप एक आर्मी फिल्म करते हैं या आर्मी का एक किरदार निभाने की कोशिश करते हैं, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधे पे आ जाती है, क्योंकि आप एक फ्रिवलेस कैरेक्टर नहीं कर रहे। वो यूनिफॉर्म जो वो पहनते हैं, जो बेरे पहनते हैं, जो गन पकड़ते हैं, जो मेडल लगाते हैं, वो बहुत मेहनत मुशक्कत कई बार जान की लड़ाई करके वो कमाते हैं, और आप ऐसे पहन लो और फिर जैसे मन करे गन पकड़ लो, जैसे मन कर ले चल लो, वो अच्छा नहीं होता। वो भी बहुत सेंटिमेंटल होते हैं, जब भी कोई आर्मी रिलेटेड फिल्म आती है तो वो भी ऐसा होता है यार यार ये क्यों दिखा दिया, ऐसे तो हम नहीं करते, या जब कोई अच्छा भी कर लेते हो तो वो बहुत सेंटिमेंटल हो जाती है कि यार थैंक यू ये करने के लिए, आपने इतनी बारीकी से वो डिटेल दिखाई। तो हमारी कोशिश ये थी कि क्योंकि हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं कि एटलीस्ट कोई आर्मी वाला जब देखे उसे लगे कि हाँ यार मेरी जिंदगी का एक पहलू मैंने देखा, या हम वो जो मेहनत थी जो हमने की है वो दिखी हमें। तो मेहनत बहुत गई सारी डिटेलिंग में, पहले तो आदित्य धर जो राइटर और डायरेक्टर है उन्होंने रिसर्च बहुत की इस टॉपिक को लेकर, फिर जब स्क्रिप्ट बनी, फिर सारे एक्टर्स जुड़े जिनको भी मिलिट्री का ये किरदार प्ले करना था, स्पेशल फोर्सेस के पैरा कमांडोज, उनकी बूट कैंप ट्रेनिंग हुई, मिलिट्री ट्रेनिंग हुई, यहाँ पे कफ परेड में एक सिख रेजिमेंट पोस्टेड थी, उन्होंने हमारी ट्रेनिंग कराई, बहुत रिग्रेस ट्रेनिंग थी, बहुत मेहनत वाली ट्रेनिंग थी, धुआं निकाल देते थे रोज, ऑलमोस्ट अबाउट 6 to 7 hours ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग होती थी रोज, जहाँ पे गन पकड़ना, गन चलाना, गन के साथ भागना, असली में नहीं चलाते थे बट टू डिसमेंटल एंड मेंटल एंड एवरीथिंग आपको सिखाया जाता था। जैसे वी केम टू नो, जैसे पहले ही दिन हम उन्होंने कहा था कि अच्छा गन के साथ हम क्रॉलिंग करते थे, अब क्रॉलिंग के समय क्या होता है, गन आपके गन का भी अपना वजन होता है और लंबी गन होती है उनके पास जो ऑटोमेटिक गन्स होती हैं, तो उसके साथ जब आप क्रॉल करते हो तो वो गन जमीन पे लगती है, आप रख देते हो साइड में, वो कहते हैं गन उनके लिए इतनी, वो पूजते हैं अपनी गन्स को, तो कहते हैं जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, हमारी गन जमीन पे नहीं लग सकती। तो वो सब जो छोटी छोटी बारीकियां हैं ना कि आप गन रख नहीं सकते कहीं, वो आपके साथ चलती है, यू नो, तो बहुत सारी डिटेल में आपको पता लगा, एंड सारे उनके साथ जब बैठ के बातें की हमने, स्पेशल फोर्सेस के साथ, एक्स स्पेशल फोर्स कमांडोज के साथ,
तो उनकी मेंटालिटी कैसी होती है बिफोर गोइंग ऑन अ मिशन, आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम अ मिशन, इतने महीनों तक सालों तक अगर परिवार को नहीं मिले तो कैसे हो जाता है, एक नया परिवार कैसे बन जाता है, ऑल ऑफ दैट, और प्लस इस मिशन, इस स्पेसिफिक मिशन को लेकर क्या क्या डिटेलिंग थी जो आपको फिल्म में दिखाई देगी, वो सब कुछ इसके अंदर गई। तो आई थिंक किसी भी फिल्म के लिए इतनी तैयारी मैंने इतना समय कभी नहीं दिया, कुछ 6-7 महीने लग गए टोटल, वजन बढ़ाना, आर्मी की ट्रेनिंग लेना, टैक्टिकल ट्रेनिंग लेना, क्योंकि जब स्पेशल फोर्सेस कुछ अंदर जाते हैं वो रात में जाते हैं, शेडोज में जाते हैं, आवाज़ नहीं आती, इट्स वेरी साइलेंट, इट्स वेरी, बिल्कुल पता नहीं लगता, तो सब कुछ इशारों में होता है, वो सारे इशारे क्या होते हैं, कैसे फॉर्मेशंस करते हैं कि बिना बात किए अगर आगे कमांडो ने एक जगह ले ली है उसका मतलब होता है कि ये फॉर्मेशन ले लो, तो वो सारी फॉर्मेशन सीखना, तो वो सब बहुत मज़ा आया। तो तब मेहनत बहुत हुई थी, रोज़ लगता था कि अरे कहाँ आ गए, कहाँ फंस गए, ये वो, बहुत धुआं निकलता था, पर अब रेट्रोस्पेक्ट में लगता है यार फिर कभी ऐसा मौका मिला तो फिर करने की इच्छा होती है। ऐसा लग रहा है अगर वॉर हो गया इंडिया पे यू विल बी रेडी, विक्की कौशल ने गन थमा दिया फॉर्मेशन, हमें ऐसा लगता था वीरा देसाई रोड तो हम लोग प्रोटेक्ट कर ही सकते हैं, हमें ऐसा लगता था जब तक ट्रेनिंग खत्म हुई ना, मैं आपको बताता हूँ आखिरी दिन ट्रेनिंग का, ट्रेनिंग खत्म हुई, 3 महीने की ट्रेनिंग कर चुके हैं, जहाँ वार्म अप हमारा होता था कि गन पकड़ के 30 राउंड भागो ग्राउंड के, वार्म अप है ये, वार्म अप है ये, वार्म अप है 10 मिनट का, उसके बाद में हमें लगता था कि अब तो जो हम तो ये लगता था कि आधे पौने मिलिट्री वाले तो हो ही चुके हैं कि जो ना वीरा देसाई तो संभाल ही लेंगे, और फिर लास्ट डे कफ परेड पे मिलिट्री वाले हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं और दे वर वेरी स्वीट और बहुत हमारे ना बाकायदा इज्जत से हमारी ट्रेनिंग करा रहे हैं कि चलो ये मिलिट्री वाले नहीं एक्टर्स हैं, पर हमारे तो तब तक चौड़ आ चुका था मिलिट्री वाला कि बस यूनिफॉर्म दो हमें। हाँ, और फिर आखिरी दिन उन्होंने क्या किया कि अपने कमांडो का कि अच्छा कमांडो इनकी 10 मिनट की वार्म अप कराओ मिलिट्री स्टाइल में, हमने कहा आ जाओ मिलिट्री स्टाइल, हमने भी 3 महीने गए हुए हैं क्या हो जाएगा, 10 मिनट की भाई साहब वार्म अप कराइए, ऐसा नहीं कि सिर्फ डिक्टेट कर रहे थे, उन्होंने हमारे साथ किए, 10 मिनट बाद एक बंदा उल्टियां कर रहा था, एक बंदा आधा बेहोश था, एक बंदा कह रहा था यार मेरे कॉन्ट्रैक्ट में फाड़ रहा हूँ मेरे को नहीं फिल्म करनी, तो हमें जितना भी रियलाइज हो जाए ना वो यार वो कुछ और है, आप नहीं बन सकते जब तक कि आप वो सालों साल वो जो गुजरते हैं उसके थ्रू आप जब तक ना गुजरे ना वो अपने आप को कहते हैं वो दे आर ब्रीड अपार्ट्स, वो है यू नो वो, और तभी मैं आदित्य को भी मैं कहता था मजाक में कहता था, बट आई ट्रूली बिलीव कि ये ना ये मेरी पहली सुपर हीरो फिल्म है, क्योंकि ये हीरो नहीं है ये सुपर हीरो है, ये कुछ अलग है यू नो, और कितना भी कर लो आप उन जैसे बन नहीं सकते, ना ही से फिजिकली, मेंटली वो कुछ और है। नहीं मेंटली तो आपका ये भी था ना कि राजी के बाद करना है, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर हिसाब में तो फिटनेस करना है, बैलेंस शीट टैली करनी है मेरे को, था आपके दिमाग में विनीत साइंड किया? नहीं ऐसा कुछ नहीं था, पर राजी के वक्त ही मिली मुझे ये फिल्म। अच्छा हाँ जी, मन में बना रहे पाकिस्तान इंडिया सेट। हाँ पाकिस्तान इंडिया, मैंने कहा ये सही है। लेकिन यामी हम आपको कितना देखने वाले इन दिस मूवी, बिकॉज सोशल मीडिया आप जानती हैं नाउ, तो शाहरुख खान ऑल्सो इज नॉट परे फ्रॉम सोशल मीडिया, कि कुछ ना कुछ 24 घंटे के अंदर रिएक्शन पता चल जाता है मूवी में, सो हाउ मच हाँ मतलब फिल्म के बीच 2 घंटे वायरल होने में थोड़ा लगता है, लेकिन हाउ मच वी गोना सी इन दिस मूवी, बिकॉज ये पूरा तो आर्मी वाला है, तो आप क्या कर रही हैं? मैं इसमें एक इंटेलिजेंस ऑफिसर का किरदार निभा रही हूँ, माय नेम इज पल्लवी शर्मा इन द फिल्म, जो एक अहम किरदार निभा रही है इन द एंटायर ऑपरेशन, जैसे विकी का जो कैरेक्टर है वो फील्ड पे है, और जो मेरा कैरेक्टर है इज इन इंटेलिजेंस सर्विसेज, तो सारी इन्फॉर्मेशन रिले करना, एंड बिकॉज उरी अटैक जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, इट्स वन ऑफ द मोस्ट लैंडमार्क आप बोल सकते हैं एज एन ऑपरेशन, बिकॉज इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट वेल प्लान एंड वेल एग्जीक्यूटेड ऑपरेशन, जहाँ पे जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे, ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम योर डिफेंस एंड योर मिलिट्री, यू हैड योर DRDO, यू हैड योर ISRO, बट नॉट इवन अ सिंगल पर्सन लीक्ड एनी इन्फॉर्मेशन, एंड हाल ही में जब हम लखनऊ में भी गए एंड वी एक्चुअली हर्ड लाइव, जो एक जवान थे जो वहाँ पर जब उरी अटैक हुआ था वो वहाँ पर थे एंड ही सर्वाइव दैट, एंड लेटर जब उन्होंने और भी अपना पूरा किस्सा सुनाया कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हम लोग कर रहे थे, वॉट वर दे डूइंग एट दैट टाइम, ऑफकोर्स अ लॉट ऑफ इट इज क्लासिफाइड ऑल्सो, वी वर लाइक, सो इट वॉज अ टीम एफर्ट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन इन्वॉल्व, सो आई एम अ पार्ट ऑफ दैट टीम, एंड बाकी तो फिर आपको पता चल जाएगा सोशल मीडिया। डू यू थिंक जैन इज लकी फॉर यू, बिकॉज साल पहले है ना काबिल, पूरी प्लानिंग ही इसीलिए हुई है, यामी कर रही है भाई फिल्म खत्म करो जैन में रिलीज करनी है। नहीं यार काबिल में यू वर ब्रिलियंट, मतलब इतनी कमाल थी अमेजिंग में, और डेब्यू पिक्चर विक्की थी, विक्की भी साथ में भी आ गया है, मतलब बहुत सारा चीज साथ में चल रहा है आपके, क्या लग रहा है इतना कमाल हो पाएगा? I'll tell you one common feeling that I had when I go back to Vicky Donor, or जैसे आपने काबिल के बारे में बात की, बदलापुर also
it's one of those films. I mean, I'm not saying because they did well. But एक आपको एक जब एक emotion होता है ना हर एक actor का हर एक team member का जब आप film shoot करते हैं और उस emotion में एक positivity होती है एक एक energy होती है there's no room for anything mediocre or anything average or anything negative of any sort. और हर कोई लगा हुआ है कि सिर्फ हमें एक बहुत अच्छी पिक्चर बनानी हाउ इट डज वेल ऑफ कोर्स वी ऑल वांट आवर फिल्म्स टू डू वेल हम चाहते हैं कि फिल्म बहुत अच्छा करे पर एक पहली इंटेंशन क्या है कि आपको एक अच्छी फिल्म बनानी और आदित्य धर जो इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं राइटर हैं ही सेड मुझे एक ऐसी फिल्म बनानी है विच नॉट ओनली द ऑडियंस लव बट आर्मी शुड ऑल्सो बी प्राउड ऑफ देम तो मुझे ये चीज़ मेरे लिए पर्सनल तौर पर एज एन एक्टर एज अ पर्सन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो दैट रिगार्ड्स I am very, very proud and very confident about Uri. Baki, over to the non-social media people also in the audience. लेकिन नहीं ये होगा शायद कि box office करे ना करे ठीक है लेकिन जितने लोग देख रहे हैं उनको पता होना चाहिए Uri में exactly हुआ क्या था। नहीं देखिए box office बहुत जरूरी है एक film के लिए और मतलब producer तभी पैसे लगाते हैं क्योंकि उनको एक at the end of the day showbiz है। But उससे ऊपर ये वजह तो होती है फिल्म बनाने की पर उससे ऊपर ये भी है हाँ कि एक ट्रिब्यूट है आर्मी को लेकर एक हादसा हुआ था 2 साल पहले 18 सितंबर को जब Uri के हमारे बेस कैंप पे अटैक हुआ था और हमारे 19 जवान शहीद हो गए थे और बहुत बेरहमी से बहुत कावर्डली एक्ट था ये एक मिलिटेंट से टेररिस्ट से जो नींद में काफ़ी लोगों को मार दिया था टेंट्स जला दिए थे और ये सब डॉक्यूमेंट हो रहा था बाहर से हम मतलब अगले दिन जब हम सोकर उठे थे तो ऑलरेडी हम टीवी पे देख रहे थे कि 19 जवान हमारे शहीद हो चुके हैं और उसके बाद 10 दिनों तक यही सवाल था पूरे देश में कि यार क्या कर रही है हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है हमारी आर्मी क्या कर रही है क्या हो क्या रहा है इस बार जब मतलब अगर हम टेररिस्ट को हम कुछ जवाब देंगे या नहीं देंगे टेररिज्म को और फिर 10 दिनों बाद जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था अगले दिन कि ये सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है तब एक और लहर आई थी कि लगा था कि हाँ यार एक टेररिज्म को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा तो पर उसकी डिटेल्स हमें नहीं पता पीछे क्या हुए थे बंद दरवाज़ों के पीछे आर्मी कैसे जुड़ी थी इंटेलिजेंस कैसे आया था सब कुछ कैसे मिलकर एक कोवर्ट ऑपरेशन प्लान किया गया था जिसकी भनक किसी को नहीं हुई और फिर एंड में बताया गया था तो वो सारी डिटेल्स आपको फिल्म में देखने को मिलेगी और ये कहते कहते मैं सवाल भी भूल चुका हूँ आई थिंक हम स्लोली स्टेज पे पहुंच रहे हैं नहीं मैं कहते कोई बात नहीं 2019 पहुंच रहे हैं जैन का जो महीना है आपकी पिक्चर रिलीज हो रही है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर हो रहा है ठाकरे आ रहा है लॉट ऑफ पॉलिटिक्स involved in this month. So what are your thoughts about this? कि बहुत सारा politics involved है मतलब चर्चे होने वाले सब कुछ होने वाले इसके बारे में मुझे लग रहा है देखिए बाकी फिल्मों के बारे में तो नहीं मैं कह सकता पर एक आर्मी ऑपरेशन को पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहिए मुझे ये लगता है जब बाकी फिल्मों को मतलब अपनी डेस्टिनी मुबारक और मैं चाहूँगा हर फिल्म काम करे अच्छी जाए बॉक्स ऑफिस पर और लोगों को भी पसंद आए हर फिल्म पर ये फिल्म को मैं अपनी फिल्म के बारे में बात कर सकता हूँ बिकॉज हमने ये जर्नी जी है मैं सिर्फ ये कहूँगा जब मिलिट्री इतनी अपनी जान पर खेलकर एक ऑपरेशन करती है आसान बात नहीं होती एक इतने वॉलेटाइल एरिया में जाकर छोटी सी टीम ले जाकर उसे 5 गुनी 6 गुनी लंबे यूनिट को से अटैक करना उन पर अटैक करना और वापस आना जिंदा ये आसान बात नहीं होती है उनको वो एक ट्रिब्यूट की तरह ही देखा जाए एक फिल्म की तरह ही देखे जाए उसमें पॉलिटिक्स ना जोड़ें एंड स्पेशली अपने अपने पर्सनल पॉलिटिकल लेंस के जरिए ना देखें इस फिल्म को ये एक ट्रिब्यूट है और एक फिल्म है जो हम कोशिश करेंगे कि लोग जब आप आए एक सच्ची कहानी देखने को मिले और वो कहानी से आपको कुछ जानने का मौका मिले और वो जो 2.5 घंटे हैं वो आपके अच्छे भी थे well said, लेकिन अच्छा मुझे मेरी हिंदी में रही है एक्चुअली काफ़ी हैं पर मेरी सबसे अच्छी जो पसंदीदा फिल्म है वो प्रहार है प्रहार 1990 में आई थी नाना पाटेकर जी ने डायरेक्ट की थी और वो फिल्म मुझे बहुत रियल लगती थी आर्मी बेस्ड और फिर बॉर्डर तो खैर क्या ही कहने वो जो इमोशन थी और बॉर्डर के साथ अलग एक इमोशन भी था कि वो मुझे याद है जो एक मेमोरी होती है ना बचपन की कि आप पहली बार फैमिली के साथ जाके कुछ देखते हो जिसकी याद रहती है थिएटर में तो वो मैंने शान थिएटर में जाके बॉर्डर देखी थी और मतलब वो भारत माता की जय और ये सब ललकारे सुने थे मैंने कहा ये क्या हो रहा है भाई तो वो बड़ा मजा आया था और मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात जो थी जब ट्रेलर आया था Uri का वॉज टू गेट अ कॉल फ्रॉम सुनील शेट्टी साहब वाओ उन्होंने कॉल किया था और उन्होंने कहा था कि यार तूने तो एक ही वो उसी में
ढाई मिनट में मुझे सनी पाजी भी दिखा दिया, मुझे अपना भी वो माँ शक्ति दिख गया, और ये तो मैं धरती मेरी माँ है। और वो कहते थे, तो वो कॉल जो था ना, हमने कुछ 15 मिनट बात की थी, मैंने कहा सर आप कहते रहिए मैं सुनता रहूँगा, मेरे लिए ये इतनी बड़ी बात है ना कि किसी ने वो ट्रेलर देख के और बॉर्डर के कास्ट में से किसी ने मुझे फोन किया है, मैं बहुत, दैट वाज अ बिग वैलिडेशन फॉर मी। डू यू रिमेंबर मथुरा दास डायलॉग? कौन सा वाला? मथुरा दास क्या जिंदगी का दूसरा नाम ही तक प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम ऐसे कुछ था ना, छुट्टी वाला है सीन, मुझे डायलॉग है पर ये नहीं होता उनका, जो सुरेश बेरी जी का डायलॉग था वो हम शूटिंग पे काफी बार बोलते हैं, जिसका पैकअप जल्दी हो जाता है ना, ओए मेरी छुट्टी सैंक्शन हो गई है, मेरी छुट्टी सैंक्शन हो गई है, फिर हम डायरेक्टर से दूर बोलते ताकि डायरेक्टर आके ना बोल दे कि मथुरा दास। इससे पहले कि मैं तुम्हारा कोर्ट मार्शल कर दूं, निकल जाओ यहाँ से। यामी आपकी कौन सी रही है आर्मी की फेवरेट मूवी? आई एग्री विद विकी एंड प्लस आई थिंक लक्ष्य। या यार लक्ष्य में ना बाय गॉड मैं बता रहा हूँ, वो जब ऋतिक, तो हर इंटरव्यू में ऋतिक रोशन सर आ जाते हैं यार, बहुत बड़ा फैन हूँ यार उनका। ऋतिक रोशन सर वो झाड़ के नीचे किताब खोल के बैठ जाते हैं और गाना चल रहा है और ट्रैकिंग शॉट चल रहा है, कंधों से मिलते हैं, मैं कहा भाई मैंने 12वीं के एग्जाम वो मूड में दिए हैं कि मेरे को झाड़ के नीचे पढ़ाई करनी है तभी नंबर आएंगे मेरे। कितना है फिर? पास हो गया था, इंजीनियरिंग किया मैंने, इंजीनियरिंग में एडमिशन, नंबर नहीं याद है पर इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गई थी। अच्छा, आई थिंक इट वाज वन ऑफ दोस फिल्म जिसको देख के वी ऑल्सो नो कितने सारे लोग शेयर कर रहे हैं पर्सनली हुआ इंस्पायर्ड यू नो कि हमें आर्मी ज्वाइन कर। विक्की जैसा नहीं, आई होप दे से कि मेजर विहान शेरगिल जैसा बनना है, दैट वी रियली होप। जैसे कह रहे थे कि लक्ष्य के बाद हम राजी शूट कर रहे थे कश्मीर में, तो वहां एक हमें ऑफिसर मिले थे जो एक्चुअली उन्होंने कहा कि यार मैं तो आर्मी ज्वाइन किया, मैंने तो लक्ष्य देख के आर्मी ज्वाइन किया, कहा यार ये तो बहुत बड़ी बात है, तो हम वी रियली प्रे कि अगर एक बच्चा भी बोले कि यार आर्मी ज्वाइन करना है, हमारा करण ज्वाइन करे। अरे मेरे को चश्मा था रे, इसके लिए नहीं ज्वाइन कर पाया मैं, सच्ची फोर्थ स्टैंडर्ड से मेरे को था कि मुझे आर्मी ज्वाइन करना है, समवन टोल्ड मी यू हैव चश्मा यू कांट ज्वाइन, मैंने पिछले साल ही लेजिक ऑपरेशन करवाया। यामी जी कुछ कह रही थी, I think also for you especially the social media audience, and I understand aaj ka time ek digital world ban gaya hai, you know it's very very important, aap pasand kare aap nahi pasand kare but they exist, so bahut zaruri ho gaya especially jo age group hai which reflects especially our social media which makes it very very important to inspire them. There's a lot of talking happening and I hope they don't waste their life staying. It's not bad. It's nothing bad. I'm not saying they're doing anything bad. But exactly, to have Laksh in your life is very, very important. And I hope, you know, the current generation especially recognizes Indian Army as the real, as he says, superhero, or their real role models, which they are. Very true. Vicky, आपका जो fitness का सफर रहा, I'm sure अपने मसान में देखा तो full सुकड़ बुंबी। I'm jealous of Vicky Kaushal. This should be your headline. हम हर office में जाके headline देंगे। कैमरा को देखिए, बोल दो। I'm jealous of Vicky Kaushal. I'm jealous. इतनी खूबसूरती कहाँ से आ गई इसमें? इसीलिए ना? नहीं लेकिन यार ये fitness अचानक मतलब राइट फ्रॉम आई रिमेम्बर मसान मैंने भी देखी थी, सबने देखी है, ऐसे थे आप, अब फुल बॉडी बॉडी आगे अच्छी। नो यू विल हियर व्हाई आई एम जेलस ऑफ यू। अच्छा प्लीज से। मैं ना करण, मैं ईट खा सकता हूँ और वो भी पच सकता है मेरा, मेरा मेटाबॉलिज्म पता नहीं क्या है, अलग ही है, मेरा वजन ही नहीं बढ़ता। अच्छा, मेरा वजन ही नहीं बढ़ता यार। टच छोड़ यार, नजर मत लगा, नजर हाँ लगे ही ना यहाँ पे। मैं बता रहा हूँ मुझे 15 किलो गेन करने थे इस फिल्म के लिए और लोग खुश हो जाएंगे कि अरे वेट गेन करने का एक रोल मिला है, मैंने अपना सिर पकड़ लिया था, वेट गेन कैसे होगा, मैं कुछ भी खा लूँ नहीं होता था। तो राकेश उदियार हमारे ट्रेनर थे जिन्होंने पूरा मेरा न्यूट्रिशन ट्रेनिंग वगैरह उन्होंने किया, जिन्होंने दंगल में आमिर सर को ट्रेन किया था, तो पहले वो बड़े कॉन्फिडेंटली आए थे कि हाँ वेट गेन करा दूंगा, तो उन्होंने पूरा डाइट शीट वगैरह नो चीटिंग वगैरह किया। महीना हो गया, 2 महीना हो गया, कितना बड़ा है, 3 किलो, 3.5 किलो, वो भी पसीना आने लग गया, भाई तेरा तो वेट ही नहीं बढ़ रहा। फिर आ गया कि नहीं चल हफ्ते में एक बार बर्गर खा लेना, वेट बढ़ा थोड़ा वेट। मैंने कहा ठीक है, फिर खा रहा हूँ, फिर नहीं हो रहा। उनका भाई तू खा, मैं तेरे से बॉडी बनवाऊंगा, तू खा, तू मत रोक अपने आप को, तो जो खाना है तू खा, तू अपना वेट बढ़ा। तो 15 किलो बड़े मुश्किल से गेन हुए, पर वो प्रॉपरली कई बार आपको 4-4 बजे 5-5 बजे उठ के
एक मील खा के सोना पड़ता था, क्योंकि अगर आपने नहीं किया तो एक मील आपका छूट जाएगा, वो 6 मील दिन के खत्म करने हैं, फिर क्योंकि साथ में मिलिट्री ट्रेनिंग होती थी, वो धुआं निकाल कर आपका पसीना वेट सब निकाल देते थे, साथ में ये ट्रेनर बोल रहा है भाई मैं वेट कैसे बढ़ाऊं, तरह मिलिट्री वाले वेट कम करा रहे हैं, तो वो बहुत जंतोजहद थी। पर मेरे लिए भी बहुत एक्साइटिंग था, क्योंकि पहली बार मुझे फिजिकली कुछ अलग बनना था, एक गेन करना था या जो भी था, वो पहले किसी फिल्म में ऐसी डिमांड नहीं थी कि कुछ दिखना अलग है आपको, बहुत ज्यादा नहीं बट एक वेट गेन करना या थोड़ा चौड़ा दिखना, तो मैं भी बड़ा एक्साइटेड था कि चलो कुछ हो जाए। तो कुछ कुछ शॉट्स में, चलो यार ये रिवील करने वाली बात नहीं है, पर कुछ कुछ शॉट्स में ना पेट भी ऐसा थोड़ा सा आ रहा है फिल्म में बाहर, पर डायरेक्टर कहता था विकी अंदर अंदर, तो मैं समझ जाता था कि अच्छा सॉरी आ रहा है, पर मैं ना अंदर ही अंदर बड़ा खुश होता था, क्योंकि बचपन से ना मैं बहुत दुबला पतला रहा हूँ, तो अब जब कोई बोलता ना तेरा पेट आ रहा है, मैं बड़ा खुश होता हूँ कि भाई मेरा पेट आ सकता है यार, मैं मोटा हो सकता हूँ, मैं बड़ा खुश होता हूँ यार, लोगों को पतला होना है मोटा होना है, ऐसे रोल कर। 3 महीने हुए हमने फिल्म रैप की है, डायरेक्टर ने बोला इट्स अ रैप, मैंने 3 महीने से ना जिम देखा है, मैं बर्गर पिज्जा सब खा रहा हूँ, मेरा 8 किलो कम हुआ है। कौन सा कहाँ बर्गर खा रहे हो, कहाँ पिज्जा खा रहे हो बताओ, मुझे भी ऐसे रोल करना है, I'll just eat, कहाँ खा रहे हो बताओ, मैं हर जगह से खा रहा हूँ, मैं सब गंद खा रहा हूँ, मेरा वजन कम हो रहा है, यानी व्हाट डू यू क्रेव, मतलब खा नहीं पा रहे हो, ऐसा मत करो, दिस इज सो सैड, मुझे मैं भी चाहती हूँ कोई मुझे बोले कि मतलब आप ये खाओ वो खाओ, दिन में उठ के मील खाना है 15 दिन में, देखो ही टू फ्री और बोल दो ना यामी फ्रेंच फ्राइज वजन बढ़ जाएगा अभी। Exactly. ऐसा है। I think इसे ब्रेन ट्रांसप्लांट ही होता है कि मेटाबॉलिज्म ट्रांसप्लांट है ना? मैं नहीं देना चाहता किसी को किसी को नहीं देना चाहता मैं ये नहीं, लेकिन आप क्रेव क्या करते हो, व्हाट इज दिस खाना आपको कि ये खाना ये होता एक फिल्म में डायलॉग था, ये आपने गलत सवाल पूछा, अच्छा। आप पूछे क्रेव क्या नहीं करते हैं, अच्छा नहीं करते बताइए, कुछ भी नहीं सब कुछ सब कुछ जो मिले वो, आई लव फूड, आई वॉज बॉर्न फॉर फूड, आई थिंक I was not born for any guy and all. I was born for food. Wow. I think I am also born for food. Yeah. What is it happening with you? सब कहते हैं मेरा प्रिंस चार्मिंग आएगा, ये कहेंगे मेरा शेफ आएगा। मैं ना हलवाई से शादी करना चाहती थी बचपन में। मेरा हलवाई आएगा। हलवाई से शादी करना चाहती थी बचपन में। अभी क्या थॉट्स है? मेरी मम्मी ने कहा बेटा ऐसे भी कर सकते हो कि इतनी मेहनत करो कि तुम दुकानें खरीद लो, जरूरी नहीं है तुम डायरेक्टली हलवाई से शादी करो। बिगेस्ट टेक अवे फॉर यू फ्रॉम उरी आपका क्या था? ये जो दिए गए हैं ना सवाल, नहीं आप चाहे नहीं भी पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, हम माइंड नहीं करेंगे, नहीं लेकिन एक बोल, अच्छा बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम उरी इज यार जो एक्सपीरियंस मुझे मिला है एक आर्मी ऑफिसर की जिंदगी को इतने नजदीकी से देखने का और जीने का जो मौका मिला, उनके लिए जो रिस्पेक्ट जो प्यार पहले था उससे कई फोल्ड्स बढ़ चुका है, क्योंकि और कई इन्फॉर्मेशन कुछ अंदरूनी मुझे पता लगा है, जैसे कि आर्मी ही सिर्फ हीरोज़ नहीं होते, उनकी फैमिली भी हीरोज़ होते हैं जो कई बार उनको मिल नहीं पाते, कई महीनों तक सालों तक उनसे जुदा रहते हैं, पर फिर भी उनका हौसला कम नहीं होता, उनका यू नो उनके वो हमेशा दे विशिंग वेल फॉर देम एंड दे प्राउड ऑफ इट। तो ये जो मौका मिला मुझे आर्मी लाइफ को नज़दीकी से जीने का और देखने का, ये आई फील एक बहुत बड़ा ऑनर था मेरे लिए, एंड ये जब भी ऐसा कुछ मौका मुझे बार बार मिलेगा मैं बार बार इस मौके को ऐसे मौकों को कभी छोड़ूंगा नहीं। जामी आपके लिए क्या था? मेरे लिए ये था कि बहुत कम ऐसी फिल्में आप बनती हैं या आपको मिलती हैं आपके करियर में जो एक आपको रिस्पेक्ट के साथ जोड़ती हैं, और आई थिंक उरी मेरे लिए एक ऐसी फिल्म रहेगी जो डेफिनेटली विच विल रेजोनेट विद रिस्पेक्ट एंड प्राइड फॉर मी, बिकॉज इंडियन आर्मी से बड़ा कोई वैलर या प्राइड या रिस्पेक्ट आप नहीं कोई और शब्द ढूंढ सकते हैं उनके लिए, सो दैट्स व्हाई उरी विल ऑलवेज बी वेरी स्पेशल फॉर मी, इट्स एन ऑनर। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एंड ऑल द बेस्ट, और आपका हौसला बना रहे, इसके लिए मैं आपको वापस एक सवाल पूछने वाला हूँ, हाउ इज द जोश? हाय सर, हाउ इज द जोश? हाय सर, हाउ इज द जोश? हाय सर, लवली, थैंक यू सो मच। आई एम श्योर आई साउंड लाइक अ गाय। नहीं, थैंक यू सो मच।